वाह, हमारे पास कितनी सारी गाड़ियां हैं। अब इन सब गाड़ियों की हम रेस कराने वाले हैं, सारी गाड़ियों की हम रेस कराने वाले हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हमारे पास। डंपर है गाड़ी है, उसके ऊपर एक स्पाइडरमैन गाड़ी है, फिर जेसीबी है, ट्रैक्टर है हमारा, फिर ये हमारी गाड़ी है, उसके बाद हमारी 32 नंबर पर रैंडम लिखा हुआ है, फिर उसमें हमारा डंपर है, डंपर में ट्रक के अंदर एक गाड़ी रखी है, उधर डंपर में एक गाड़ी रखी है, और ये बस है, ये फौजी वाली कार है, ये भी डंपर है, इसमें गाड़ी रखी है, ये घोड़ा गाड़ी है, बाइक है हमारी, और ये हमारी बग्गी गाड़ी है, स्कूटर है, ट्रैक्टर है, रैंडम कार है हमारी, और ये बड़ा वाला हमारा क्या कहते हैं जम्पर है, ओ डंपर है, और उसके बाद हमारे उसके बराबर में गाड़ी रखी है, उसके बराबर में घर खड़ा है, और सबसे आगे हमारी कछुआ वाली गाड़ी है। तो सबसे पहले हम इसी से रेस कराने वाले हैं, और देखिए हम इसमें बहुत सारे खिलौने रखते हैं, तो इसे अलग कर देते हैं हम, और हम रेस कराने वाले हैं। सबसे पहले हम छोटी गाड़ी की रेस कराएंगे, और ये बहुत तेज भागी, कितनी तेज भागी है, देखिए पहुंच चुकी है अपने स्थान पर, अपना टारगेट को कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद हम निकालते हैं स्कूटर को, स्कूटर में रेस डालते हैं, और देखिए स्कूटर भी पहुंच चुका है, और उसके बाद हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा ट्रैक्टर कितनी तेज़ी से स्टार्ट हो गया है, और उसके पीछे ट्राली भी लगा हुआ है, तो ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं हम, और ट्रैक्टर भी देखिए पहुँच चुका है अपनी दिशा पर, और उसके बाद हम लाते हैं बग्गी गाड़ी, पबजी की बग्गी गाड़ी है, और इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आप सुन सकते हैं बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी, देखिए। और देखिए सबसे आगे जाके मुझे लग रहा है कि उसका कुछ ना कुछ टूट चुका है, आवाज़ आई बहुत तेज़ी से, तो इसके आगे का ये जो होता है ये टूट गया है, हम इसे हम सही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से टक्कर लग गई है, तो उसकी वजह से ये अलग हो चुका है। तो चलिए हम फिर से इसे चालू करते हैं और छोड़ते हैं इसे अपनी जगह पर, और देखिए अपनी जगह पर पहुँच चुका है। उसके बाद हम इसे रेंडम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देखिए कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी, रेंडम गाड़ी खिड़कियाँ खुलती हैं इसकी, देखिए कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी रेंडम गाड़ी की। तो अब हम इसे छोड़ते हैं, देखिए कितने अच्छे से पहुंच चुकी है अपने वहाँ पर, और उसके बाद हम स्कूटर को स्टार्ट करते हैं, और स्कूटर तो यहीं पे गिर गया, मोटर बाइक हमारी गिर गई, फिर से हम रेस में करते हैं इसे, और साइलेंसर इसका उठ गया, ऊपर नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, तो वो भी पहुँच चुका है अपनी जगह पर। उसके बाद हम एक एक गाड़ी को रेस लगाएंगे, देखिए ये ट्रक है, इसमें हमारी ट्रक है, हमारा डंपर ट्रक है, इसमें हमारी दो गाड़ी आ जाएंगी, तो छोटी छोटी दो गाड़ी हम इसमें रख लेते हैं, छोटी दो गाड़ी नहीं चलो एक ही रहने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसे रेस कराते हैं। इसमें इसकी आवाज़ अच्छी नहीं निकल रही है, इसका मतलब काम नहीं कर रहा है शायद, ये रिपेयर होने के लिए जाएगा शहर। देखिए बहुत तेज़ी से अपनी जगह पर पहुँच चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ी, डंपर में हमारी एक गाड़ी रखी है नैनो गाड़ी, और इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, ये देखिए कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी, ये देखिए। तो इसे ही छोड़ते हैं अपने स्थान पर, ये यहीं पर रह गई है, और फिर से हम इसे आगे भेजते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। तो ये भी पहुंच गया अपने स्थान पर। उसके बाद हमारा देखिए एक घोड़ा है, और घोड़े की रेस कराते हैं, आवाज़ आ रही है घुंघरू की, इसमें देखिए घोड़े की रेस कराते हैं, और घोड़ा घोड़ा भी अपने स्थान से जल्दी से पहुँचा, दोबारा से पहुँचाते हैं इसे, थोड़ा पीछे रह गया है, फिर से हम रेस कराते हैं, ये देखिए अरे वाह कितनी तेज़ी से पहुँचा है। उसके बाद हमारे पास है नेक्सा गाड़ी है, रेसिंग गाड़ी, वाह कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी, ये भी पहुंच चुकी है अपने यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास है देखिए किंग गाड़ी है, कितना अच्छा लुक है इसका, येलो कलर की है, उसकी आवाज़ सुनते हैं कैसी है, वाह इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, वाह वाह इसने तो उसे ढकेल दिया है, बहुत तेज़ी से ढकेल दिया है। उसके बाद हमारे पास फिर से आ गई है रेंडम गाड़ी, देखो कितनी प्यारी आवाज़ है, वाह इसकी बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी, वाह इसने तो डंपर को ढकेल दिया है। और उसके बाद हम अपना जेसीबी लेके आते हैं, तो देखिए इधर सारी गाड़ी रखी है, हम इधर से उठा रहे हैं सारी गाड़ी, उसके बाद हम जेसीबी अपनी लेके आते हैं, ये जेसीबी है हमारी, और ये देखते हैं जाके, वाह घोड़े को उठा दिया इसने। और उसके बाद हम यहाँ से ट्रैक्टर लेते हैं, ट्रैक्टर को रेसिंग करते हैं यहाँ से पकड़ के, वाह इसने तो डंपर को उठा दिया। उसके बाद हम ट्रक लाते हैं, देखिए ट्रक से रेसिंग करते हैं, वाह कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी, सुन सकते हैं आप कितनी प्यारी आवाज़ है, इसने भी जाके टक्कर मार दी है। उसके बाद हम लाते हैं अपनी ये कार गाड़ी, इस पे लिखा हुआ है अल्फा रोमियो 25 है इसका मॉडल, वाह कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी, आप सुन सकते हैं।
तो इसने मार दी है ईंट में टक्कर, हमें ट्रैक्टर में टक्कर मारनी है। वाह नहीं पहुंच पाई है, अरे नहीं जा रही है, लगता है नाराज है। वाह इसका तो पहिया निकल के बाहर आ गया, देखिए पहिया निकल गया। उसके बाद हमारे पास ये गाड़ी है, बहुत तेज भागती है, सबसे तेज भागने वाली गाड़ी है ये देखिए, बहुत तेज गाड़ी चलती है। और उसके बाद हम लाते हैं डंपर, बड़ा वाला डंपर, तो डंपर में हमने 3 गाड़ी लोड की है, तो गाड़ी उतार लेते हैं और देखिए इस गाड़ी की आपको हम रेसिंग दिखाते हैं, कितनी तेज रेस है इस गाड़ी की, ये देखिए खुद से चलती है ये, और बहुत तेज गाड़ी से दोनों कलर से हम चला सकते हैं, इधर से ब्लैक है और इधर से रेड है देखिए। और उसके बाद हमारे पास ये नैनो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, इनकी रेस कराते हैं, और एक ये हमारे पास छोटी गाड़ी है इसे रेस कराते हैं। वाह कितनी तेज चल रही है, और ये हमारे पास डंपर ट्रक है, वाह ये भी बहुत तेज चल रहा है। उसके बाद हम यहाँ से ट्रैक्टर लेते हैं, जेसीबी वाले लोग का ट्रैक्टर है, और इसमें गाड़ी लोड की है हमने, तो इसे हम चलाते हैं, इसे थोड़ा जगह बना लेते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम हो गई। ये देखिए ये भी चल चुका है। उसके बाद हम यहाँ से बस लेते हैं, बस स्टाइलिश बस, कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी, तो ये रह गई है पीछे, हम फिर से बस रेस कराते हैं। वाह ये भी चली गई है। उसके बाद हमारी फौजी गाड़ी भी हमारी लास्ट में रह गई है। तो ये एक घर है, घर में से पहिए नहीं होते हैं, तो हमने इतनी सारी गाड़ियों से रेसिंग की, तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी गाड़ियों से हमने रेसिंग की है और कितना अच्छा हमें लगा रेसिंग करने के बाद, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अभी हम इनसे साइड से लगाते हैं इस तरीके से, ताकि सारी एक साथ ही आ जाएं और हम इनका फिर बाद में उठा के रख सकें। तो सारी गाड़ियाँ हमारी लग चुकी हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ हमारी लग चुकी हैं, सब रेसिंग के बाद ये सारी गाड़ियाँ लगी हैं, तो देख सकते हैं कि कितनी सारी गाड़ियों से हमने रेसिंग की है, तो आपको अच्छा लगा होगा।